अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके कोर्स कोड 8610 के यूनिट 6 के साथ आज की एपिसोड लेकर आई हूँ। इसका टॉपिक है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट और यूनिट 6, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन मॉरल डेवलपमेंट। You will be able to explain morality within the context of nature and nurture. आप इखलाकियात को इस तरह से explain कर पाएंगे कि वो nature यानी विरासत में किस हद तक बच्चों की इखलाकियात development का किरदार होता है विरासत का, और किस हद तक हम उनकी training कर सकते हैं। Number 3 objective है, you will be able to describe moral characteristics of learners from इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। आप बचपन से लेकर उनके चाइल्डहुड तक की खसूसियात को बयान कर पाएंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज फॉर प्री स्कूल टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल टू इनकलकुलेट मॉरल वैल्यूज अमंग लर्नर्स। आप देख रहे हैं एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल। अपनी तालीमी वीडियोस के लिए और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 6 इज, डियर स्टूडेंट्स, दिस यूनिट डील्स विद मॉरल डेवलपमेंट। यू विल लर्न द मीनिंग्स एंड नेचर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इट्स इम्पोर्टेंट एंड नीड इन चाइल्ड्स पर्सनल एंड सोशल लाइफ। मॉरल डेवलपमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। इन ऑर्डर टू नो द स्टूडेंट्स, टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस पैटर्न्स ऑफ मॉरेलिटी विच अपियर एट डिफरेंट फेजेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिवेलपमेंट अकर अलॉन्ग विद द सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिवेलपमेंट। बच्चों की जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, उसको जानने के लिए उनकी सोशल मॉरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में टीचर का एक अहम किरदार है, और उस डेवलपमेंट के दौरान जो टीचर का रोल है उसको वो बेहतर तौर पर कैसे अदा कर सकता है जब वो इस सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से आगाह होगा। मॉरल डेवलपमेंट है क्या? मॉरल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, मॉरल डेवलपमेंट का सारा फोकस इसी चीज़ पर होता है। इट फोकस्ड ऑन द बिगनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड चेंज ऑफ मॉरेलिटी फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक जो कॉन्सेप्ट है मॉरेलिटी का, उसका स्टार्ट, उसकी समझ और फिर उसमें जो तब्दीली लाता है इंसान अपने सारी लाइफ में, पूरी उम्र में, उस सब को मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉरेलिटी? आपके ख्याल में मॉरेलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, मॉरेलिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और आइडियाज और आइडियल्स दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। इस तरह का जो असूलों का सेट है जिस पर एक इंसान या फिर उसके आइडियल्स हैं, कुछ ऐसे ख्यालात हैं ऐसे जिनको वो बेहतरीन समझता है, ऐसे रूल्स लाइफ के लिए जिसको गलत या ठीक समझते हुए अपने एक्शंस, अपने ज़िंदगी के मामलात को वो अदा करता है, तो उसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। मॉरेलिटी प्रिंसिपल्स गाइड हाउ पीपल शुड ट्रीट वन एंड अदर। इखलाकियात के जो कवानीन हैं वो बच्चों को और इंसानों को गाइड करते हैं कि किस तरह एक से दूसरे के साथ, एक इंसान के साथ या दूसरे इंसान के साथ डील करना है, डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। विद रेस्पेक्ट टू जस्टिस, अदर राइट्स एंड वेलफेयर, इंसाफ, हकूक और दूसरे मामलात की तरफ। मॉरेलिटी इज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरेलिटी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे इंसान के अंदर ये जो उसकी सेंस है कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, उसको मॉरेलिटी कहा जाता है। मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स
लर्निंग द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अगर आप ये सीख लेते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है, तो वो आपकी मॉरल डेवलपमेंट हो रही है. टू यूज थिंग्स टू यूज दिस नॉलेज टू रिएक्ट एट प्रॉपर डिसीजंस इन कम्प्लेक्स चॉइसेस, पेचीदा सूरत हाल में जब आप एक सही फैसला लेते हैं अपने उस मॉरेलिटी के नॉलेज की बेस पर कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, तो आपके फैसले का इन्हिसार भी उसी पर होता है कि आप किस चीज़ को ठीक समझते हैं किस चीज़ को गलत समझते हैं. एंड प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द राइट डिसीजन, आपको आज़ादी मिलती है आपकी मॉरेलिटी के तहत कि आप एक ठीक फैसला ले सकें अपनी चॉइस के मुताबिक जिसको आप राइट समझते हैं ठीक समझते हैं. इट कैन बी रेफर टू द राइट थिंग्स इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. मॉरेलिटी इज शेप्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटरेक्शन विद फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर एडल्ट्स. मॉरेलिटी या अखलाकियात जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स उस पर असर डालते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स उसको शेप देते हैं बच्चे के अखलाकियात को, जिसमें उसकी बातचीत है फैमिली के साथ दोस्तों के साथ और बड़ों के साथ जो उसके इर्द गिर्द हैं. सम अदर फैक्टर्स एज देयर फिजिकल ग्रोथ कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल स्किल्स कम्बाइन टू इन्फ्लुएंस मॉरल डिवेलपमेंट. इसके बावजूद कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इमोशनल सोशल स्किल्स हैं कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो हम पिछले 5 चैप्टर्स में सारी टॉपिक्स ये वाले पढ़ चुके हैं. उन सब जो स्किल्स और ग्रोथ और डेवलपमेंट्स का भी ताल्लुक है कि वो मॉरेलिटी को किस तरह से डेवलप करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी में. मॉरल कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर 3 मॉरल कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू शेफर. फर्स्ट कॉग्निटिव कंपोनेंट रिलेटेड टू द थिंकिंग अबाउट मॉरल इश्यूज एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग. पहला जो एस्पेक्ट है पहला जो कंपोनेंट है शेफर के मुताबिक वो है जी जहनी सोचना किसी मामले के बारे में या आपकी इल्म और नॉलेज से रिलेटेड, आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं गलत समझते हैं वो जो आपने सीखा है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ उसके बारे यानी किसी इशू के बारे में फैसला लेना दिमाग में सिर्फ कि क्या ये ठीक है या गलत है, ये कौन सी चीज़ इसमें से राइट है कौन सी रॉन्ग है. दूसरा फिर एस्पेक्ट है दूसरा कंपोनेंट है इमोशनल कंपोनेंट. इट इज़ लिंक्ड टू द फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक होता है कि आप किस आपकी किसी करीबी अजीज़ का आपने मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा मामला है जिसमें आपने फैसला करना है तो आपकी अकल आपकी कॉग्निटिव जो सलाहियत है वो आपको बता रही है कि ये फैसला उस करीबी अजीज के अगेंस्ट होना चाहिए क्योंकि दूसरा बंदा इंसाफ पे है. लेकिन आपके इमोशनल कंपोनेंट जो है वो हो सकता है आपको झुका देना इंसाफी की तरफ, तो ये भी असर डालती हैं मॉरेलिटी पर मॉरल डेवलपमेंट पर. इमोशनल कंपोनेंट भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं. एसोसिएटेड विद मॉरल थॉट्स एंड डिसीजन, ये फीलिंग्स जो हैं आपके एसोसिएट होती हैं कि किस तरह से आपके डिसीजन जो हैं जो आप मॉरेलिटी के हवाले से कोई करने लगे हैं तो वो उस पर इफेक्ट कर सकती हैं. दीज फीलिंग इंक्लूड गिल्ट शेम एंड प्राइड. इन फीलिंग में गिल्ट शर्मिंदगी यानी आप अपने आप को मुजरिम समझना या फिर शर्मिंदगी और या फिर फ़ख्र का एहसास है कि समटाइम्स आप कोई रॉन्ग कोई डिसीजन ले लें तो आपको किस तरह से उन फैसलों पर या उन सोच में आने वाली चीज़ों पर भी किस तरह से गिल्ट शेम या प्राइड फील होता है. थर्ड इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट. आखिरी कंपोनेंट जो है वो आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड है, यानी पहले आपने सोचा किसी भी मामले के बारे में अपनी कॉग्निटिव जो डिवेल्प स्किल है उस पर उसको यूज़ में लाते हुए किसी मामले की बारे में डिसीजन लेने का सोचा, फिर इमोशनल कंपोनेंट के तहत उस डिसीजन को आपने हो सकता है राइट या रॉन्ग जो भी चूज़ किया वो चूज़ किया और थर्ड है आपने उस पर एक्ट किया. This is concerned with the way we behave, act, and include the limit to which we steal, lie, cheat, and behave nobly. ये वो actions हैं जो हम करते हैं sometimes morality को moral development में अपनी cognitive जो आपकी सलाहियत है skill है उसको ignore करते हुए emotional component को
हावी करते हुए या फिर उसको भी कंट्रोल करते हुए आप राइट डिसीजन लें, या फिर इमोशनल कंपोनेंट को हावी करते हुए खुद पर समटाइम्स रॉन्ग डिसीजन लें, रॉन्ग एक्शन करें, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, या फिर अच्छे तरीके से बिहेव करना भी आपकी इमोशनल कंपोनेंट के तहत आपके एक्शन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इनमें फैमिली, स्कूल, नेक्स्ट भी हम देखेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस करते जाते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्टिंग इफेक्ट मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेट्स हैव अ लुक। फैमिली, फैमिली प्लेज, आपको पता है फैमिली का बहुत अहम किरदार है आपके मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, एंड इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। हम सारी डेवलपमेंट के चैप्टर्स जो भी आपने पढ़े हैं अब तक पांच, उनमें हमने फैमिली का जो रोल था वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि किसी भी फैमिली के कल्चर के हवाले से, उनकी अखलाकियात जो भी होंगी, बच्चे का जो इन्फेंसी पीरियड है 0 से 2-3 साल तक, उसमें वो सारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली का एनवायरनमेंट है, वो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। सेकंड फैक्टर है स्कूल। स्कूल का किरदार उस वक्त शुरू होता है जब बच्चे प्री स्कूल या किंडरगार्टन या फिर एलिमेंट्री लेवल पर स्कूलों में आते हैं, क्लासरूम्स में बैठते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो उनके घरेलू जो लोग थे घर में अवेलेबल, उनसे हट के हैं, नेबरहुड से हट के हैं। तो उन लोगों का जो उनके इर्द गिर्द हैं, उस वक्त उनके पीयर्स हैं, फेलोज हैं, टीचर्स हैं, उन सब का जो कैरेक्टर है, जो सबका बिहेवियर है, वो भी इफेक्ट करता है बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट पर। इसमें बच्चों को जो है वो पॉजिटिव रवैये और नेगेटिव रवैये दोनों तरह से सीखने में देर नहीं लगती है जब वो प्री स्कूल या किंडरगार्टन अपने फेज में होते हैं एज के। नेक्स्ट जो चीज़ इफेक्ट करती है वो पीयर ग्रुप है। अब आप क्लासरूम एनवायरनमेंट और स्कूल और टीचर से हटके उनके जो इर्द गिर्द बैठने वाले, स्कूल में बच्चों के बिल्कुल क्लोज बैठने वाले जो फ्रेंड्स हैं या जिस ग्रुप में वो बैठते हैं, ज़्यादातर मूव करते हैं, स्कूल में टाइम गुजारते हैं, ब्रेक में टाइम गुजारते हैं, उनका जो साथ खेलने वाले जो बच्चे हैं, इन सब का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर वो मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है वो कहता है कि देखो आपने दूसरे बच्चे जो फ्रेंड है, थर्ड फ्रेंड की बात करते हैं दो बच्चे, कि उसके बैग से आपने बिना पूछे पेंसिल क्यों ली है, तो बहुत बुरी बात होती है। तो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट पॉजिटिवली होगी और वो शर्मिंदगी फील करते हुए दोबारा ऐसा नहीं करेगा। नंबर फोर्थ पे आता है जो फैक्टर, वो है सोसाइटी एंड कल्चर। आपका जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से। कि अगर आपके कल्चर में है कि आप आपके सोसाइटी में है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ कर गुजर जाते हैं, तो आप छोटे बच्चे उस चीज़ को, जब वो उनकी डेवलपमेंट ये चल रही होती है, स्टार्ट हो रही होती है, जब उन्हें राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता, तो तब वो इस चीज़ को देखकर ये सोच सकते हैं कि इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये एक सोसाइटी और कल्चर का भी इफेक्ट होगा जो फैक्टर इफेक्ट करेगा मॉरल डेवलपमेंट को। नंबर फाइव है एज। एज इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स इन मेकिंग मॉरल कॉन्सेप्ट्स एंड मॉरल बिहेवियर्स। एज द इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, ही बिकम्स मोर ओपन माइंडेड टुवर्ड्स सर्टन दोज आइडियल्स विच समटाइम्स डू नॉट फिट विद वट ही थिंक टू बी गुड। बच्चे की या किसी भी इंसान की उम्र जो जो बढ़ती है, तो उसके अंदर जो उसकी मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। छोटे होते वो जिन चीज़ों को गलत समझ रहा होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कोई बड़ा कह देता है डोर बेल बजी है कि जाकर मेरे जो भी बाहर आया उसे कहो अबू घर पे नहीं है, तो उस वक्त उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये झूठ बुलवाया जा रहा है मेरे से। लेकिन जब वो खुद एक बड़ा इंसान बनता है तो वो इस तरह के झूठ को जस्टिफाई करता है, उसको ठीक समझता है। तो मॉरेलिटी में कुछ चीज़ें चेंज होते होते बचपन से बड़ी बड़े लेवल तक आते आते आपके लिए गलत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, समटाइम्स ठीक चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये एज भी एक अहम फैक्टर है जो आपकी
मॉरल डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है। देन सिक्स एंड लास्ट फैक्टर है जेंडर। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज मॉरल इन मॉरल डेवलपमेंट इज जेंडर। गर्ल्स आर हेल्ड विद द सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम इफ देयर बिहेवियर डज नॉट मैच विद द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल कोड्स। खवातीन या लड़कियों के हवाले से जो मॉरल कोड सोसाइटी ने फैमिली ने सेट कर दिए हों, सिंपली कि आप दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जा सकते या आप वेल के बिना बाहर नहीं जा सकते, और वो अगर इस मॉरेलिटी के अगेंस्ट थोड़ा सा कुछ करेंगी तो उनको लगेगा, उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आएगी, उनको शेम फील होगा कि उन्होंने अपनी जो फैमिली का कल्चर था उसके अगेंस्ट किया है। तो इस तरह के जो, जबकि लड़के जो हैं वो अपना ही मॉरेलिटी सेट करते हैं और उनको अपने मॉरल रूल्स को अपने हिसाब से राइट एंड रॉन्ग जो उनकी सेंस है वो उस पर काम करते हैं, और उनको कोई सोसाइटी की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आता, जिसकी वजह से जेंडर इक्वलिटी नहीं रहती है मॉरेलिटी के हवाले से। जो चीज़ लड़कों को अलाउ होती है वो लड़कियों को अलाउ नहीं होती है। कंक्लूजन अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स के हवाले से। टू कंक्लूड वी कैन से दैट मॉरल डेवलपमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इन हिज सराउंडिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तमाम लोग और वो जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब अहम किरदार अदा करती हैं उसकी मॉरल डेवलपमेंट में। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट की अहमियत क्या है, क्यों इसको हमने रीड करना है, क्यों इसको समझना है, या इसका सोसाइटी में क्या अहमियत है। सोसाइटी कैन नॉट वर्क इन अ प्रॉपर वे इन द एब्सेंस ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ऑन वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग। अगर एक सोसाइटी में कुछ रूल्स सेट ना कर दिए जाएं मॉरेलिटी के हवाले से तो बहुत सारे लोग एक साथ ठीक तरीके से नहीं रह सकते हैं। मॉरल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। स्टार्ट से इंसान की पैदाइश के ही मॉरल डेवलपमेंट शुरू होती है और उसकी आखिरी सांस तक चलती है। इम्पैक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। जो भी किसी इनफरादी जो लोगों की शख्सियात हैं उसके थ्रू हम उनकी मॉरल डेवलपमेंट का तासुर देख सकते हैं, इम्पैक्ट देख सकते हैं, असर देख सकते हैं। बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स उनके रवैयों में, उनके रुझानात में। द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मैनर्स एंड बिहेवियर्स पीपल एक्ट अपॉन। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं लोगों के साथ और जो आपके मैनर्स हैं, जो आपके बिहेवियर्स हैं, वही आपके मॉरल डेवलपमेंट की क्वालिटी को शो करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल, जो कि एक इनफरादी लेवल से शुरू होते हैं, मॉरेलिटी स्प्रेड्स आउट टू द सोसाइटी, फिर वो फैलती है पूरी सोसाइटी में एंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू पीस एंड यूनिटी। और फिर जो सोसाइटी का अमन है, इत्तहाद है, जो उनकी यूनिटी है, एकता है, एक साथ रहने की जो कोशिश है, उस सारी जो है वो डिपेंड करती है, वो सारी उसके ऊपर इन्हसार करिए जो आपके इंडिविजुअल लेवल था। क्योंकि एक इंसान मिलकर, जब बहुत सारे इंसान मिलते हैं एक तो सोसाइटी बनती है, तो एक इंसान जो है वो एक यूनिट है सोसाइटी का। थस टीचिंग पॉजिटिव वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइंस, काइंडनेस, फ्रेंडनेस, फ्रेंडलीनेस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, लव, जस्टिस एंड मर्सी बिकेम्स एसेंशियल। ये सारी खूबियाँ जो हमने यहाँ बताई हैं एक पर्सनैलिटी के अंदर, वो बहुत लाजमी होती हैं ताकि सोसाइटी में अमन और सुकून रहे और एक पुरअमन मुआशरा बने। तो यहाँ तक का जो हमने लेक्चर पढ़ा है, सुना है, उसकी समरी ये है कि जो अब सेक्शन है आपका, जितना आपने पढ़ा, आपने मॉरेलिटी के बारे में जाना कि वो क्या चीज़ है, आपने देखा उसकी अहमियत क्या है सोसाइटी में, आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आप ऐसे फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाएं जो मॉरल डेवलपमेंट में आप समझते हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को, और इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं कुछ थ्योरीज अबाउट
मॉरल डेवलपमेंट जो रिलेटेड हैं, मॉरल डेवलपमेंट में से सबसे पहले हम जीन पियाजे की थ्योरी देखेंगे, और ये थ्योरी हमने पीछे उसमें भी देखी थी जो आपके चैप्टर्स थे कॉग्निटिव और मॉरल सॉरी कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से भी हमने पियाजे की डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उनको देखा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनकी मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें दो फेजेस हैं या स्टेजेस हैं एज के हवाले से। पहले नंबर पर जो एज स्पैन इन्होंने लिख दिया है वो है 7 to 12 ईयर ओल्ड, लेकिन जो पहली स्टेज होती है इससे पहले की 2 से 7 साल तक की, उसका नंबर 2 पर जिक्र किया है। तो हम पहले हम नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपके एज जो है 2 से 7 साल तक के बच्चे की बताई गई है। ये कहलाती है हेट्रोनियस स्टेज। हेट्रोनियस मोरलिटी जो है उसका ताल्लुक होता है कि वो 2 से 7 साल तक की जब उम्र के बच्चे इस मोरलिटी के इस किस्म को एक्ट कर रहे हैं, उस पर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पर एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंशन। बच्चे अपना रोल उस वक्त प्ले इस तरह से करते हैं कि वो खुद से एक्शन कम लेते हैं, उनको गाइड किया जाता है, ओबे करते हैं वो रूल्स को विच कैन नॉट बी चेंज। उनके हिसाब से जो मॉरल डेवलपमेंट के रूल्स, मॉरेलिटी के जो रूल्स उनको बता दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है 2 से 7 साल की उम्र तक, जिसमें टीचर गाइड करते हैं, एडल्ट्स फैमिली मेंबर्स गाइड करते हैं, सोसाइटी के एडल्ट्स गाइड करते हैं, और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो गाइड करते हैं। तो उन रूल्स को बच्चे चेंज नहीं कर सकते, उनके हिसाब से उन्हें लगता है इस मोरलिटी की स्टेज पर के रूल्स चेंज नहीं हो सकते, फिक्स होते हैं। जबकि दूसरा जो फेज है मोरलिटी का वो है ऑटोनोमस मोरलिटी, और इसमें बच्चों के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर खुद मुख्तारी का जो आंसर है वो ज्यादा नुमाया होता है। 7 से 12 साल तक की उम्र में चाइल्ड्स मोरलिटी रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द इंटेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन अलोन। वो जो काम करते हैं उनकी उसके पीछे इंटेंशन भी होती है, वो सिर्फ उनके एक्शंस नहीं होते हैं। हेट्रोनोमियस जो मोरलिटी है इसमें हम देखते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पियाजे थ्योरी। इट इज अराइज फ्रॉम 2 to 7 ईयर ऑफ एज। जस्टिस एंड रूल्स आर कंसिडर्ड ऑफ एज अनचेंजेबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पीपल। वो समझते हैं कि लोगों के कंट्रोल से भी बाहर हैं, और जो रूल्स हैं जो वो स्ट्रिक्ट और अनचेंजेबल हैं। जबकि ऑटोनोमस मोरलिटी में देखें तो दिस इज एग्जिबिटेड बाय ओल्डर चिल्ड्रन अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर 10 साल से या इससे भी बड़े। द चाइल्ड बिकम अवेयर दैट रूल्स एंड लॉज आर क्रिएटेड बाय पीपल एंड दैट इन जजिंग एन एक्शन वन शुड कंसीडर द एक्टर्स इंटेंशन एज वेल एज द कंसीक्वेंसेस। बच्चे उस वक्त मॉरेलिटी के उस फेज में हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि ठीक है, किसी ने आपको बचपन में बताया था कि चोरी करना मना है या झूठ बोलना मना है, लेकिन तब वो इंटेंशनली अपने मामलात को अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ भी बोल लेते हैं समटाइम। देन अब आप याद करें कि पियाजे की जो थ्योरी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के यूनिट में पढ़ी थी वो बहुत सपोर्ट करती है उसके इस प्रोसेस को, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से भी बात हुई है। अब हम देखेंगे लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी। लॉरेंस कॉलबर्ग स्टार्टेड एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड देन मूव टू द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन। थ्रू हिज स्टडीज कॉलबर्ग डिस्प्ले द पीपल डिवेल्प्ड इन देयर मॉरल रीजनिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। उसके हिसाब से स्टेजेस हैं सीरीज की, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट को ले जाते हैं जूं जूं पेचीदगी की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो हम देखते हैं लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल रीजनिंग। एट दिस लेवल
The child cannot understand the concept of moral values. Moral reasoning is controlled by external rewards and punishments. छोटे बच्चे को जब आप कहते हैं कि देखो आपने रोना नहीं है और आपने यहीं बैठना है, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, वो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। और या फिर आप उसे कहेंगे मैं, मतलब आप उसको डांटेंगे कि आप उसको गुस्से का इजहार करेंगे कि आप यहाँ से उठे तो मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगी। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बच्चे की प्री कन्वेंशनल रीजनिंग स्टेज कहलाएगी। इसकी दो स्टेजेस आगे बताई हैं इस लेवल की। पनिशमेंट पहली स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। मॉरल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट्स। चिल्ड्रन ओबे बिकॉज अडल्ट्स टेल देम टू ओबे। बच्चे उसको मानते हैं क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि वो इस चीज़ को माने, या उनको सजा दी जाती है या उनको जजा दी जाती है जिसकी बिना पर वो उस मॉरल एक्शंस को, उस बिहेवियर को शो कराते हैं। वट एवर इज रिवॉर्ड इज गुड, वट एवर इज पनिशमेंट इज बैड। इससे हट के, हम इस बात से हट कर ये बात करते हैं कि उनको किसी गिफ्ट का लालच देना या फिर उनको जिस्मानी या अखलाकी सजा देना, ये अच्छा है या बुरा, इस चीज़ से हट कर हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ इफेक्ट करती है उसकी मॉरल डेवलपमेंट को। ये कॉन्वेंशनल स्टेज है और इसके रीजंस हैं प्री कन्वेंशनल की। और दूसरी स्टेज पर इंडिविजुअलिज्म एंड पर्पस। मॉरल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट। चिल्ड्रन ओबे व्हेन दे वांट टू ओबे। दूसरी स्टेज आती है फिर जब उनको आप चॉकलेट के लालच पर भी अच्छा जो है ना बिहेव नहीं करवा सकते, उनकी मूड और वो खुद पर डिपेंड करने लगते हैं थोड़ा, अपने आप को अपनी पसंद नापसंद अपने इंटरेस्ट को देखने लग जाते हैं। इट इज़ देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू ओबे। जब वो उस वक्त ओबे करते हैं जब उनके लिए लगता है कि हाँ अब हमारा चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है तो ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, चाहे वो आम तौर पर बगैर उस लालच के, रिवार्ड के लालच के उस काम को नहीं भी कर रहे होते तो उस वक्त अपने इंटरेस्ट के तहत कर लेते हैं। समटाइम्स नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर उनका अपना इंटरेस्ट हो तो फिर वो कर भी लेते हैं। वट इज राइट इज वट फील्स गुड एंड वट इज रिवॉर्डिंग। उनको वो ठीक लगता है जो उनको उस वक्त अच्छा महसूस हो रहा होता है। ये छोटे बच्चों की या इंसानों के बारे में जो भी बात हो रही है। इट विल समथिंग, आई विल समथिंग गुड फॉर यू इफ़ यू डू समथिंग गुड फॉर मी। एक दूसरे के साथ बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो बात करते हैं कि ठीक है तुम मेरे लिए ये करो कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ, मुझे काम करने दो और मैं तुम्हें इसके बदले चॉकलेट दूँ। अगली जो लेवल है दूसरा है कन्वेंशनल रीजनिंग। एट दिस लेवल इंटरलाइजेशन इज ट्रांजिशनल। द चाइल्ड अबाइड्स बाय सर्टन स्टैंडर्ड्स, हाउएवर दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के बनाए हुए मॉरेलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं सच एज पेरेंट्स और द लॉ ऑफ सोसाइटी, उनको कन्वेंशनल रीजनिंग के दौर में, स्टेज में, लेवल पे बच्चे या बच्चे उन रूल्स के, उन स्टैंडर्ड्स के तहत अपना एक्शंस करने लग जाते हैं। स्टेज थ्री पे है इंटरपर्सनल नॉर्म्स। यहाँ पर लेवल टू पर हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरह ट्रैफिक रूल्स के हवाले से है, तो उनको एल्डर्स ने भी बताया कि आपने ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी है, और उनको सोसाइटी लॉज ने भी बताया हुआ है कि अगर आप रूल्स की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। इस तरह की जो पाबंदियां हैं या एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, जो एक्सटर्नल मामलात हैं सोसाइटी में, कल्चर में, वो सारे आपकी मॉरल डेवलपमेंट में मॉरलिटी को, मॉरल एक्शंस को शो कराते हैं या इफेक्ट करते हैं। स्टेज थ्री पर है इंटरपर्सनल नॉर्म्स। चिल्ड्रन गिव इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट, केयरिंग एंड फेथफुलनेस टू अदर्स एज द बेसिक मॉरल जजमेंट। वो बच्चे जो हैं उनके ऊपर, उनको जब उनके साथ केयरिंग उनकी की जाए, उनके ऊपर फेथ, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए या उनके साथ जो एक अफेक्शन शो कराई जाए, तो बच्चों की जो इंटरपर्सनल नॉर्म्स हैं वो उस केयर करने वाले की नॉर्म्स के साथ अटैच होते हुए, यानी वो उस तरह का केयरिंग बन जाएगा, उसी तरह का फेथफुल बन जाएगा।
एट दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑफन अडॉप्ट देयर पेरेंट्स मॉरल स्टैंडर्ड्स। बच्चे जो हैं वो उस वक्त, अगर आप मिसाल के तौर पर बच्चे देखते हैं कि जब आप दो लोग चलते हुए जा रहे हैं और फर्स्ट जैसे आप बच्चे का फादर है वो अब उसकी मदर के लिए अगर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, तो बच्चे उस मॉरल स्टैंडर्ड को एब्जॉर्ब करते सीखते हुए खुद भी अपनी लाइफ में जब वो एक इंडिविजुअल होंगे, बड़े इंसान होंगे, तो इस तरह के जो सोशल एक्ट्स हैं वो करेंगे। दिस दे मेक एफर्ट टू बी कंसिडर्ड बाय पेरेंट्स एज अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल। दिस इम्प्रेशन इज रिवॉर्डिंग फॉर चिल्ड्रन। जब आप अच्छे काम बच्चे करते हैं, मिसाल के तौर पर उसने आपके खाने के टाइम के बाद बर्तन उठाकर किचन में रखे, तो आप अक्सर कह देते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, आपने मेरी हेल्प की। तो बच्चे इस तरह का जो सेंटेंस है वो सुनकर उनका जो इस तरह के काम करने का अमल है, यानी हेल्प करने का मदर की, वो उनकी मॉरल डेवलपमेंट में फिर इंक्लूड होता चला जाएगा और उनकी आदतों में शामिल होता चला जाएगा, वो बिहेवियर वैसा सेट हो जाएगा उनका फ्यूचर के लिए भी। सोशल सिस्टम मॉरेलिटी अगली स्टेज है, फोर्थ स्टेज है लेवल टू की। मॉरल जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द सोशल ऑर्डर्स लॉ जस्टिस एंड ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड माइट से दैट इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू स्टील बिकॉज लॉज दैट हैव बीन डेवेलप्ड आर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जब बच्चा ये कहेगा कि सोसाइटी की तरफ से एक लॉ एक कानून है कि चोरी करना मना है, और उसको उसके अंदर पूरी सोसाइटी का फायदा भी है, तो वो बच्चे जो हैं वो उसको सोशल सिस्टम की जो मॉरेलिटी है उसको अडॉप्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी के लिए। और यही इंडिविजुअल जब अच्छे मॉरल वैल्यूज के साथ सोसाइटी में आते हैं तो फिर एक अच्छी सोसाइटी भी डेवलप होती है। गुड इज डेफिनेटली डिफाइंड बाय लॉज ऑफ सोसाइटी बाय डूइंग वंस ड्यूटी। अ लॉ शुड बी ओबेड इवन इफ इट इज नॉट फेयर। वो कहते हैं कि एक कानून जो है उसको ओबे करना चाहिए चाहे वो ठीक नहीं भी हो। अभी मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी एग्जाम्पल दी थी, एक जिस तरह से तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से थी कि अगर आप पूरे मुल्क के मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएं और कुछ डिपार्टमेंट्स की बढ़ा दें, तो ये एक लॉ तो बन चुका है, कानून तो हो गया, नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन फेयर नहीं था, उसके बावजूद सबने इसको ओबे किया और करना पड़ता है। लेवल थ्री है जी इस वक्त लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी का, और ये है पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। एट दिस लेवल मॉरेलिटी इज कम्प्लीटली इंटरलाइज्ड अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल। इस वक्त तक फाइनल उसकी जो मॉरल वैल्यूज हैं इंसान की वो सेट हो चुकी होती हैं, और अब वो उसको अडॉप्ट करके उसको बिहेव करने के लिए तैयार होता है। और इट इज बेस्ड ऑन अदर, अच्छा जो मॉरल डेवलपमेंट उसके अपने अंदर इस वक्त जो उसने इर्द गिर्द से सीख लिया, फ्रेंड्स से, फैमिली से, सोसाइटी, लॉ से और जस्टिस से, सारी चीज़ों से, उसने अब अपने अंदर एक नया रूल सेट ऑफ रूल्स बना लिए हैं, जो उसने कुछ अपने अंदर एक अखलाकी जो कवानीन हैं वो सेट कर लिए हैं और वो अब उसने अडॉप्ट कर लिए हैं, लेकिन दूसरों के स्टैंडर्ड पर वो पूरे उतरे ना उतरे ये अलग से बात है। The adolescents identify alternative moral ways, search for the choice and the decide on personal moral codes. अब जो इंसान ने अपने अंदर moral codes या कवानीन इखलाकी सेट कर लिए हैं, वो उसके तहत अपना जो है मामलात जिंदगी उनके अंदर बिहेव करता है। स्टेज फाइव है कम्युनिटी राइट्स वर्सेज इंडिविजुअल राइट्स। The adolescent understands that values and laws are not absolute but relative. Adolescence जो एज है बच्चे की, उस वक्त वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि वैल्यूज आर और जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, जो अखलाकियात हैं, वो सारी एब्सोल्यूट हैं, लेकिन सारी एब्सोल्यूट नहीं हैं, लेकिन रिलेटिव हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती हैं। ही ऑलवेज also knows that standards may differ from one person to another.
एक इंसान के नजदीक चोरी करना बुरी बात ना हो, लेकिन दूसरे के नजर में बुरी होगी। द पर्सन रिकग्नाइज दैट लॉज आर इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। बट इंसान पहचानता है कि जो कानून हैं वो अहम है सोसाइटी के लिए, बट नोज दैट लॉज कैन बी चेंज, कि ये कानून चेंज भी किए जा सकते हैं, तब्दील भी किए जा सकते हैं। ही बिलीव दैट सम वैल्यूज सच एज लिबर्टी आर मोर इम्पोर्टेंट देन लॉज। वो समझता है, उसका यकीन होता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जो अहम हैं, लेकिन शख्सी आज़ादी से ज़्यादा अहम नहीं है। यहाँ पर मैंने यूरोप या दूसरे ऐसे कंट्रीज की मिसाल दी थी जहाँ पर ये कहा गया था कि ख़वातीन हिजाब करके बाहर सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, रोड्स पर नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने ये लॉ बना दिया था, लेकिन ये शख्सी आज़ादी के खिलाफ था, इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसके खिलाफ था। तो उस पर लोगों ने अमल ना किया, और उन्होंने जिन्होंने हिजाब करना था उन्होंने किया। इस तरह की एक एग्जाम्पल है आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी और सोसाइटी वैल्यूज, सोसाइटी लॉज के हवाले से। वैल्यूज एंड लॉज आर रिलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वैल्यूज और लॉज जो हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं एक इंसान से दूसरे में। गुड इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेंटल प्रिंसिपल्स दैट द सोसाइटी हैज सेटल डाउन। अच्छी चीज़ें वो हैं जिनको आप कानून बनाकर माशरा जो है वो सेटल कर देते हैं। एन अनफेयर लॉ ओट टू बी चेंज, और जो अनफेयर कानून है वो बहरहाल चेंज होना चाहिए। अब हम देखेंगे सिक्स्थ स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है उसकी, तीसरे फेज की, तीसरे लेवल की, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड अ मॉरल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। व्हेन फेस्ड विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज एंड कंसीक्वेंसेस द पर्सन विल फॉलो कंसीक्वेंसेस इवन दो द डिसीजन माइट इन्वॉल्व पर्सनल रिस्क। गुड इज अंडरस्टैंड इज इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के हवाले से आजकल के दौर की मिसाल दूंगी, तो हम जिस तरह कोविड-19 के रिस्क का शिकार है पूरी दुनिया, तो एक यूनिवर्सल एथिकल कोड बन चुका है कि आपने मास्क पहनकर घर से बाहर आना है, आपने किसी से 6 फुट के फासले से ज़्यादा मतलब सोशल डिस्टेंस रखना है, और इसी तरह से आपने हैंड वॉश करने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के तहत आप कर रहे हैं, और आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी सोसाइटी में हों तो आपने सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अपना मास्क का इस्तेमाल जो है, इस तरह की जो कानून हैं जो ग्लोबल आप एथिक्स कह सकते हैं उनको फॉलो किया जाता है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती थी, मैंने आजकल के रेलिवेंट आपको एग्जाम्पल दी। अब हम देखेंगे कॉल्बर्स की स्टेजेस जो थी डेवलपमेंट की, उसके यहाँ पर हमने देखे कि लेवल 1 पे इसको समराइज कर रहे हैं, अगेन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं इसको एंड करने से पहले इस टॉपिक को। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल पे मॉरेलिटी जो थी उसकी स्टेज 1 थी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेड, एंड सेकंड स्टेज थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेड। देन लेवल 2 कॉग्निटिव मॉरेलिटी थी, तो यहाँ स्टेज 3 थी गुड बॉय नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन, एंड स्टेज 4 थी लॉज एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लेवल 3 जो थी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरेलिटी, इसमें हमने देखा स्टेज 5 पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ओरिएंटेशन, एंड स्टेज 3 पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इस थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी कॉलबर्ग की, उस पर क्रिटिसिज्म है गिलिगन की तरफ से। गिलिगन जो हैं वो एक खातून हैं, और जो उसके साथ ही उसकी स्टूडेंट भी थी आपके कॉलबर्ग की, और इसने इसके साथ इसकी थ्योरी पर थोड़ा तनकीद करते हुए अपनी तरफ से उसकी सारी स्टेजेस पर कुछ जो चेंज है उसके बारे में
डिमांड की थी कि इस तरह भी हो सकता है मॉरल डेवलपमेंट में, ये वाली वजूहात भी हो सकती हैं मॉरल डेवलपमेंट की। तो प्री कन्वेंशनल में हमने अभी जैसे देखा पीछे डायग्राम में कि एक वो था कि जजा और सजा के ज़रिए, और दूसरा जो है वो बच्चे की मर्ज़ी, कुछ सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं कुछ जो एक्शंस हैं, कुछ जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ जजा और सजा के तहत होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्सन ओनली केयर फॉर हिम सेल्फ इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड एग्जिस्टेंस, दिस इज़ हाउ एवरी वन इज एज चिल्ड्रन। इन दिस ट्रांजिशनल फेज द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड इज कंसिडर्ड सेल्फिश ऑन वन हैंड। एक तरफ इंसान अपनी पसंद नापसंद के तहत जब कोई मॉरल अपनी मॉरेलिटी का मुजाहरा करता है, तो उसको या फिर एक हाथ पर उसको सेल्फिश कहा जाता है, या दूसरी तरफ उसको कनेक्शन उसका होता है दूसरे इंसानों के साथ, तो उसको अच्छा अच्छा इंसान कहा जाता है। जहाँ वो खुद को इग्नोर करता है तो फिर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एज अ गुड ह्यूमन बींग, लेकिन जब वो खुद का थोड़ा सा अगर अपनी केयर कर ले तो उसको सेल्फिश कहा जाता है। कन्वेंशनल में आप देखें तो इसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ताल्लुक है, मोर केयर शोज फ्रॉम अदर पीपल। गिलिगन सेज दैट दिस इज शोन इन द रोल ऑफ मदर एंड वाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से अगर बात करें तो फीमेल जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल समझी जाती हैं गिलिगन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कहती हैं इसमें जो खवातीन माँ और बीवी का किरदार अदा करती हैं वो उनकी मॉरेलिटी को, मॉरल एक्शंस को डिफरेंट कर देता है बाकी मेल जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनसे। सिचुएशन समटाइम्स कैरीज ऑन टू इग्नोरिंग नीड ऑफ सेल्फ। खवातीन जब मदर या वाइफ के रोल में होती हैं तो वो अपनी नीड्स को इग्नोर करती हैं समटाइम्स सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम एग्जांपल दें कि आपके पास खाने की जो चीज़ है बच्चे की अगर पसंद की है तो माँ को पसंद भी होगी, तो वो उस टाइम पे सेक्रीफाइस करेगी और वो कहेगी कि कोई बात नहीं ये बच्चे को दे दी जाए या ये दूसरे फैमिली मेम्बर्स को दे दी जाए। ख्वातीन के अंदर ये वाली थोड़ी कहते हैं ना कि एक सलाहियत पाई जाती है। इन दिस ट्रांजिशनल फेज टेंशंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स एंड केयरिंग फॉर सेल्फ आर फेस्ड। इस फेज में जो केयर और सेक्रीफाइस का जज्बा ख्वातीन शो करा देती हैं उनके अंदर, वो फिर भी एक जो उनके अंदर एक परेशानी या अपसेट होने का लेवल समटाइम्स इंक्रीज कर देती हैं, और वो अपने आप को इग्नोर करने पर थोड़ा टेंशन में भी आती हैं समटाइम्स, बहुत कम। पोस्ट कन्वेंशनल में देखेंगे तो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ केयर फॉर सेल्फ एंड अदर्स इज शोन। यहाँ पर वो खवातीन अपने आप की केयर करना भी कुछ असूल बना लेती हैं कि फलां फलां मामलात पर मैंने सेक्रीफाइस नहीं करना है और अपने आप को भी देखना है। सम पीपल नेवर रीच दिस लेवल। बहुत सारे लोग इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो बस सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं, खुद को इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं। गिलिगन आर्ग्यूड दैट बॉयज डेवलप द मॉरेलिटी ऑफ जस्टिस इन विच दे फोकस ऑन द यूज ऑफ लॉज एंड रूल्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। गिलिगन का कहना है कि लड़के अपने लिए अपने रूल्स मॉरल प्रिंसिपल्स सेट कर लेते हैं, और जो जरूरी नहीं होता कि वो उन खवातीन के रूल्स और मॉरल वैल्यूज के साथ एक जैसे हों, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हों, ऐसा नहीं होता। उनको उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, खवातीन की डिफरेंट होंगी। इन कंट्रास्ट गर्ल्स डेवलप द मॉरेलिटी ऑफ केयर इन विच देयर मेन फोकस इज ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड ऑन कंपैशन ऑफ फॉर अदर्स। तो वो कहते हैं इसके बदले में, इसके मुकाबले में लड़कियां या खवातीन जो हैं वो उनकी मॉरेलिटी में ज़्यादा फोकस होता है केयर पर और दूसरों की अच्छी वेलबींग पर। तो इस सारी थ्योरीज की जो समरी है वो हम देखते लेते हैं। मॉरल डेवलपमेंट कंसर्न द इंटीग्रेशन ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज दैट आर इंडोर्स बाय वंस सोशल एनवायरमेंट। दिस इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन स्ट्रेटजीज एज अर्ली एज इन्फेंसी।
अब आप देख सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट जो है उसका ताल्लुक रूल्स और वैल्यूज़ के साथ है, जो कि या तो इंसान पर इम्पोज किए जाते हैं, एंडोर्स किए जाते हैं, या फिर कुछ सोशल एनवायरनमेंट के तहत, या फिर इंसान अपने ही चॉइस से कुछ अपने लिए रूल्स और सेट ऑफ जो मॉरल वैल्यूज़ है वो सिलेक्ट कर लेता है और फिर उनके तहत ज़िंदगी गुजारता है। मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, जो बच्चे हैं आपके पास, जो आप जिनको आप टीच करने जा रहे हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से उनकी मॉरल जो लर्निंग है उसकी खसूसियात क्या क्या हो सकती हैं, हम दो ही फेज स्टेजेस डिस्कस करते हैं हमेशा हर चैप्टर में, प्री स्कूल और एलिमेंट्री लेवल। प्री स्कूल ईयर्स मार्क चिल्ड्रंस ट्रांजिशन फ्रॉम ईगोसेंट्रिकली, यानी एक अपने ही इंटरेस्ट के तहत से फिर एम्पथी की तरफ, हमदर्दी की तरफ, यानी अपने पहले वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं फिर वो दूसरों से हमदर्दी करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर उसके पास दो चॉकलेट हैं तो वो किसी को देगा ताकि एक वो खुद भी खा सके, लेकिन अगर उसके पास एक होगी तो फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट के तहत उसको पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरह प्री स्कूलर्स टेंड टू थिंक ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स, छोटे बच्चों के लिए सिंपली या ठीक होती हैं चीज़ें या गलत होती हैं, दैट इज एन एक्ट इज ऑलवेज राइट और रॉन्ग। तो उनकी नज़र में या तो कोई चीज़ वो बच्चे कर रहे हैं कि देखो आप दाएं हाथ से पानी पी रहे हो तो ठीक है, बाएं हाथ से पी रहे हो तो गलत है, उनके अंदर कोई शेड, कोई ग्रे एरिया नहीं है, वो नहीं सोच सकते कि उसके बाएं हाथ में, दाएं हाथ में भी कोई दर्द है, पेन है, जिसकी वजह से वो बाएं हाथ में पी रहा है, बाएं हाथ से पानी पी रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रे ग्रे शेड उनके यहाँ नहीं पाया जाता, या ब्लैक है या वाइट है, यानी या राइट है या रॉन्ग है, और वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं उस प्री स्कूलर एज में। पीपल आर गुड और पीपल आर बैड, उनकी नज़र में लोग अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, गुड पीपल आर ऑलवेज गुड एंड पीपल बैड आर ऑलवेज बैड। वो अच्छे अमल भी करें तो बच्चे उनको बुरा ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में वो अच्छा या बुरा उसको फिक्स कर लेते हैं उस उम्र में। अब हम देखेंगे किंडरगार्टन में, प्री स्कूलर से थोड़ा किंडरगार्टन आपको पता है लर्निंग लेवल पर आ जाते हैं बच्चे, आपके लर्निंग थ्रू प्लेइंग की फेज में, और प्री स्कूलर में बच्चे घर पर होते हैं अभी, वो किसी किस्म के पीयर ग्रुप्स में कम आए होते हैं। अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट थिंग्स आर ऑलवेज गुड और ऑलवेज बैड, ये वही सारी बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं प्री स्कूलर फेज में। हाउ मच फिजिकल डैमेज वॉज डन, ग्रेटर द डैमेज वर्सेज इज परसेप्शन ऑफ द एक्ट, वेदर एन एक्ट विल इवोक पनिशमेंट, इन इफ एन एक्ट विल पनिशमेंट देन इट इज रॉन्ग। बच्चे देखते हैं कि उनके तहत जो रूल्स हैं वो तोड़े नहीं जा सकते, जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से वो रूल्स तोड़ना जो है वो गलत होता है। देयर ओन परस्पेक्टिव चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी टेकिंग अनदर पर्सन व्यू ऑफ एन इशू, वो किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में किसी मामले पर बच्चों को डिफिकल्टी होती है, इस लेवल पर वो अपने जो सेट रूल्स हैं उन्हीं को राइट एंड रॉन्ग समझ रहे होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू डेवलप मॉरेलिटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके तहत आप बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेलिंग एंड रीडिंग स्टोरीज, ऑल चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू रीडिंग फोक्स टेल्स फेरी टेल्स, वो बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, परियों की, शहजादों की, बादशाहों की, तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं एनिमल करेक्टर्स की, वो टीचर को चाहिए कि वो जो स्टोरीज उनको सुनाने लगी है उसके लिए वो जो बुक्स सेलेक्ट करेगी या स्टोरीज सेलेक्ट करेगी वो उर्दू में, यानी अगर उर्दू आपका पाकिस्तानी बच्चा है तो आपके उर्दू लैंग्वेज में होनी चाहिए या फिर बच्चों की मदर टंग में होनी चाहिए। ये स्टोरी टेलिंग के हवाले से भी मेरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, जहाँ पर आप बच्चों की स्टोरी टेलिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लर्निंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, आप बच्चों को मॉरल सॉन्ग्स के थ्रू मॉरेलिटी सिखाते हैं, जिस तरह एक बाबा ब्लैक शीप पोइम है जिसमें कहा गया है कि मैं वूल दूंगा, वो जो भी भेड़ बात करी होती है कि एक फलां के लिए वूल है, एक फलां के लिए और एक उसके लिए जो
जिसके पास कपड़े नहीं हैं पहनने को या गर्म कपड़े नहीं हैं, इस तरह के मॉरल वैल्यू बेस्ड सॉन्ग्स और पोइम्स के थ्रू। और तीसरा है रोल प्लेइंग अ स्टोरी, आप बच्चों को जो ड्रामा है या एक्शन है कुछ कुछ भी स्क्रिप्ट दे सकते हैं एक अच्छी मॉरेलिटी सिखाने का, और उस पर उनसे रोल प्ले करवाएंगे तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी होगी मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, अभी हमने बात की थी किंडरगार्टन और प्री स्कूल की, और अब हम बात करें एलिमेंट्री लेवल की। इस एलिमेंट्री लेवल में बच्चे खुद को दूसरों की जगह रख कर सोच सकते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत इस उम्र में होती है जब वो 5 से 12 साल तक की उम्र के फेज़ में होते हैं कि वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि इस लेवल पर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। थिंकिंग अबाउट द रूल्स, उनको बताएं कि वो रूल्स के बारे में सोचें, व्हाट डज इट मीन टू फॉलो रूल्स, बच्चों से ये क्वेश्चन करें कि इसका मतलब क्या है कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ पीपल डोंट फॉलो देम, अगर रूल्स हैं जैसे कि इशारे हैं ट्रैफिक के, अगर हम उनकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, क्यों ट्रैफिक रूल्स पर हमें अमल करना चाहिए। बच्चे इसका आंसर करेंगे, वो आप बोर्ड पे लिखते चले जाएं, फिर आप दूसरा सवाल करेंगे उसी से रिलेटेड। अभी मैं अपनी उसी एग्जांपल को लेके चलूंगी कि अगर ट्रैफिक रूल्स पर अमल ना करेंगे लोग तो क्या होगा, फिर उनके आंसर्स को आप बोर्ड पर लिखते चले जाएं या फिर किसी बड़े पेपर पर लिखते चले जाएं, फिर उन्हें बताएं कि हाउ टू बिहेव, रूल्स टेल अस हाउ टू बिहेव, हमें रूल्स बताते हैं कि हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से ज़िंदगी में अपने एक्शंस को और जेस्चर्स को दिखाना है। सम रूल्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड सो दैट पीपल डोंट गेट अनहैप्पी, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए ताकि दूसरे लोग नाराज़ ना हों, दूसरे लोग परेशान ना हों या उनके साथ कुछ बुरा ना हो। हम फिर अगेन ट्रैफिक रूल्स के हवाले से बात करेंगे कि अगर हम ये रूल हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो किस तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, किस तरह से किसी को चोट लग सकती है। इसी तरह से डोंट स्टील, डोंट चीट, आप बच्चों को बताएंगे कि मत चीज़ें मत चुराएं और झूठ मत बोलें। टेल द ट्रूथ, ऑल आर ऑल रूल्स दैट शुड ऑलवेज बी फॉलो, उनको सच बताएं, सच बोलना क्या है, ठीक है, उनको वो सारे रूल्स बताएं उस वक्त कि इन सारे जो चीज़ें हैं ये वाली मॉरल वैल्यूज़ हैं, इन पर अमल करना ही हमेशा ज़रूरी होता है। इन अ ग्रुप लाइक दिस वन देयर आर सर्टन रूल्स दैट वी फॉलो सो दैट एवरी वन कैन पार्टिसिपेट, सम ऑफ द रूल्स आर डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ये एक ऐसा रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। डोंट यूज बैड लैंग्वेज एंड डोंट स्टे से थिंग्स दैट विल बी अनकाइंड टू अदर्स, ऐसे अल्फाज भी मत इस्तेमाल करें जो दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, यानी आप गाली गलौज की बात करें, बैड लैंग्वेज की बात करें और दूसरों को डिस्टर्ब करने के हवाले से, तो ये सारे सोशल बिहेवियर्स हैं, आप इसको मॉरल वैल्यूज भी कह सकते हैं। इफ वी डोंट हैव दीज रूल्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी, अगर हमारे पास ये सारे रूल्स ना हों तो हमें सोसाइटी में रहना, एक साथ रहना बहुत सारे लोगों का बहुत मुश्किल हो जाए। कुछ रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ रूल्स फिक्स होते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर आपको आपकी अम्मी ने ये रूल सेट किया है, हम छोटे बच्चों से इस वक्त बात कर रहे थे एलिमेंट्री लेवल के, कि अगर आपकी मदर ने ये रूल सेट किया है कि आप रोज़ाना 10 बजे रात को सो जाएं, तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप लेट नाइट तक पढ़ने के लिए जाग भी सकते हैं। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स ही होते हैं। अब फिर आप चिल्ड्रन को, बच्चों को एक एक्टिविटी देंगे कि आप 2 कॉलम बनाएं उनके पेज पर, और आप बोर्ड पर ये सारी अभी जो 5 रूल्स मैं लिखने लगी हूँ, बच्चों से कहें कि कौन से इनमें से फिक्स हैं और कौन से फ्लेक्सिबल हैं, इनके इनको वो पुट करते जाएं दोनों कॉलम्स में, एक में लिख दें फिक्स और एक में लिख दें फ्लेक्सिबल। डोंट हिट एनी वन इन एंगर, क्या ये फिक्स है या फ्लेक्सिबल है, क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके थे, ये फिक्स होना चाहिए कि गुस्से में किसी को नहीं मारना। ईट अ बैलेंस्ड मील, ये भी फिक्स होना चाहिए लेकिन समटाइम्स फ्लेक्सिबल, कि जब आपका दिल चाहे आप फास्ट फूड भी कभी कभार वंस इन अ मंथ खा सकें। कीप योर रूम नीट,
It should be fixed. And don't talk behind people's back. लोगों के पीठ पर पीठ पीछे बुराइयां ना करें. ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए. इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. लिसन टू टीचर. इट शुड बी फिक्स. चिल्ड्रन कैन ऑफर देयर अदर रूल्स फ्रॉम होम एंड स्कूल एंड टेल वाई दीज रूल्स शुड बी ऑलवेज टू बी केप्ट और कैन सम बी बेंट. कुछ बच्चों से भी आप रूल्स लिखवा सकते हैं कि वो आप अपनी तरफ से कुछ रूल्स बताएं. आप लोगों ने भी क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर रूल्स बताए थे कि कौन से रूल्स हैं जो फिक्स होने चाहिए और कौन से हैं जो कुछ जिंदगी के वक्त में जो बेंड भी किए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी किए जा सकते हैं. तो ये था आज का हमारा चैप्टर यूनिट 6 मॉरल डेवलपमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.